नेहरू नगर स्थित सियान सदन में बूस्टर डोज लगवाने आए बुजुर्गों को लंबे वक्त तक स्वास्थ्य कर्मियों के इंतजार में परेशान होना पड़ा। इस दौरान इन्हें किसी भी तरह की जानकारी निगम कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। केवल डोज लगने का आश्वासन मिलते रहने से कई बुजुर्ग अपने घर लौट गए। कोरोना के साथ ही ओमिक्रॉन के संक्रमण से लोगों विशेषकर बुजुर्गों को सुरक्षित रखने बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। नेहरू नगर स्थित सियान सदन में बूस्टर डोज लगाने लापरवाही देखने को मिली। यहां बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लगाने सुबह 10 बजे से ही बुजुर्ग एकत्र हो गए थे, लेकिन 12 बजे तक बुजुर्गों को डोज लगाने के बाबत कोई सूचना नहीं मिली और न ही स्वास्थ्य कर्मचारी 12 बजे तक सियान सदन पहुंचे, जिससे निराश होकर कई बुजुर्ग अपने घरों को लौट गए। जबकि निगम के नेहरू नगर जोन कार्यालय द्वारा इन्हें सियान सदन में बूस्टर डोज लगाए जाने की जानकारी दी गई थी। बूस्टर डोज लगवाने आए भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रतन तिवारी और एक अन्य बुजुर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग यहाँ कितने डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया बैठे हैं, कोई माई बाप नहीं, कोई कुछ पूछने वाला कुछ नहीं, और अगर कुछ हो गया बैठे बैठे पेशेंट रहते हैं ना भाई, बुजुर्ग लोग का कोई किसी ठिकाना नहीं है। दो दो घंटे बैठ कर वो कहते हैं कि दुर्ग से पार्टी आ रही, अब कब आ रही पार्टी किसे पता ही नहीं। देखिए ऐसा है कि नगर निगम ऑफिस से सूचना आई थी, वहाँ पर जाके पता किया था तो उन्होंने कहा कि सियान सदन में लग रहा है बूस्टर डोज बुजुर्गों को और 11 बजे से इसका समय है। मैं स्वयं भी यहाँ पर आकर बूस्टर डोज का वैक्सीन लगाने के लिए बैठा हूँ, 10:30 बजे मैं आ गया था और यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और कुछ तो इतने भी बुजुर्ग हैं कि चलने में भी उनको तकलीफ थी, कार से उतरकर यहाँ पर आने में भी परेशानी हो रही थी, किंतु जो केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम को आगे सफल बनाने के लिए वो सब अपने अपने समय पे जैसे जैसे सूचना के आधार पर यहाँ पहुँच गए, किंतु यहाँ की जो व्यवस्था है वो तो मुझे तो बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि इसका यहाँ पर कोई इंतजाम ही नहीं है। ये बताया गया था कि 11 बजे से लगेगा बूस्टर डोज, 11:30 बजे तक रादर और 12:15 बजे तक किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आगे का वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम होगा। अचानक 12:15 बजे एक सज्जन आते हैं और वो बोलते हैं कि ये वहाँ से नगर निगम ऑफिस से CMO ऑफिस से एक शेड्यूल जो है वो कैंसिल हो गया है, अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो दोबारा आएंगे पार्टी। हमने पूछा कि कब आएंगे वैक्सीनेशन के लिए पार्टी आपकी, उनका कहा कि नहीं भाई अभी इस समय का हम कुछ नहीं बोल सकते कब आएगा क्या आएगा, और अभी आज ठीक 12 बज चुके हैं और यहाँ पर जो है बुजुर्ग जो आए हुए थे वो बेचारे परेशान हो गए, धीरे धीरे करके बड़ी मुश्किल से वापस भी चले गए हैं। अभी आप देखें कि अभी कितनी कम कुर्सियाँ बची हैं और 11:30 बजे का के आसपास जो है वो ऑलमोस्ट फुल था, लोग खड़े भी हुए थे। तो इस तरह की व्यवस्था जो है वो निगम द्वारा और जो राज्य सरकार द्वारा जो की जा रही है, जो इसमें ढिलाई बरती जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है और जो बुज़ुर्गों का जो ये यहाँ पर जो मैं तो मानूँगा कि एक तरीके का अपमान है उनको बुला के और कोई सूचना ना देना, तो ये तो हरासमेंट भी है बुज़ुर्गों का और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए और ये एक हमारे स्वयं के भी मान सम्मान की बात है और ये जो व्यवस्था है इसको शीघ्रता से कि इसमें सुधार होना चाहिए। बहरहाल नगर निगम प्रशासन द्वारा सभी आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगवाने सहित बूस्टर डोज को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं निगम अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।